यहाँ से लोकेंद्र प्रताप सिंह, दाऊद अहमद, शकील अहमद, रितु सिंह मैदान में है, किसके बीच कांटे की टक्कर है? देखिए, मैं बात बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव के समय एक महिला की नामांकन, ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान एक महिला का साड़ी को खींचने का वीडियो पूरा वायरल हुआ था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगा था, और वही रितु सिंह है जिनको कांग्रेस ने अपने पाले में लिया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के उस समय प्रत्याशी थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। अब अगर बात की जाए तो यहाँ 140 विधानसभा बात की जाए तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मामला माना जा रहा है, क्योंकि बीएसपी समाजवादी पार्टी और बीजेपी, कहीं ना कहीं लोकेंद्र प्रसाद सिंह समाजवादी पार्टी अब अन्य जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, उनमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ था जिसमें किसानों की जान चली गई और काफी ज्यादा हिंसक प्रदर्शन वहां पर देखने के लिए मिला था, उसके बाद अजय मिश्र टेनी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कई दिनों बाद अब उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। इसका असर कितना आज मतदान में देखने के लिए मिल रहा है? जनता जागरूक है इस बात को लेकर? देखिए, साफ तौर पर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से तीन तारीख की घटना के बाद कहीं ना कहीं 9 तारीख में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, लगभग 120 दिन के बाद आशीष मिश्रा को लखनऊ की एक बेंच कोर्ट से जमानत मिल जाती है, और आशीष मिश्रा कहीं ना कहीं चुनाव से, लखीमपुर मतदान चुनाव से पहले 5 से 7 दिन पहले रिहा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चिंता की बात, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो किसान है, वो कहीं ना कहीं नाराज था, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा टेरी, उनको हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने कोई कदम नहीं उठा, उसके बाद वो नाराजगी थी। दूसरा, आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई, उससे भी लखीमपुर खीरी में जो किसान है या जो पीड़ित परिवार है, कहीं ना कहीं जो उनसे संवेदना रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके नाराजगी, और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। जी।